हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड टॉसरूम यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तापसी पन्नू के इस साल की एक जबरदस्त फिल्म थप्पड़ के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, पर इससे पहले फिल्म की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, ये फिल्म एक टिपिकल ड्रामेटिकल फिल्म है जिसे निर्देश दिया है अनुभव सिन्हा ने। फिल्म के निर्देशन के साथ साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है अनुभव सिन्हा ने, और अनुभव सिन्हा के साथ साथ इस फिल्म के निर्माता है कृष्ण कुमार और भूषण कुमार। बनारस मीडिया वर्क्स और टी सीरीज के बैनर तले बने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ए फिल्म्स ने। ये फिल्म एक थप्पड़ के लिए होने वाली एक हस्बैंड वाइफ के बीच तनाव के आधार पर बना हुआ है। इस फिल्म के मुख्य किरदार पर रहेंगे तापसी पन्नू, जो कि अमृता के किरदार निभाएंगे, और उनके पति के रोल पे हम देखेंगे पवाइल गुलाती को। इस फिल्म के अन्य मुख्य किरदार पर रहेंगे रत्ना पाठक शाह, तन्वी आजमी, दिया मिर्जा, राम कपूर और कुमुद मिश्रा। 2018 के फिल्म मुल्क के बाद तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा का सेकेंड कोलैबोरेशन होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ओर, पर इससे पहले कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप बॉलीवुड की कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। दोस्तों, 2018 के फिल्म मुल्क बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, तो इस बार भी फिल्म थप्पड़ को बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग मिल रहा है, और ये माना जा रहा है कि ये फिल्म अपने फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में करीब 5-6 करोड़ आराम से कमा लेगा। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या आप उस दिन ये फिल्म देखने जाएंगे, और क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो पाएगा। नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।